हाय गाइस, सो गाइस वी आर व्लॉगिंग आफ्टर 2 मंथ्स। बहुत दिन हो गया है, मैं भूल ही गया हूँ कि व्लॉग कैसे करते हैं। और आज इतना क्राउडेड जगह पे हैं, वी आर इन कोलकाता। रोजा मुझे दिखाने लाई है क्रिसमस मार्केट। यहाँ पे क्रिसमस बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन करते हैं यहाँ पे, और आई एम प्रेटी एक्साइटेड टू सी। रोजा मुझे बोल रही थी कि तुमको मैं पार्क स्ट्रीट लेके जाता हूँ, और पार्क स्ट्रीट में सबसे अच्छा होता है क्रिसमस सेलिब्रेशन। यहाँ पे पूरा लाइटिंग से भर देते हैं, जितना मैंने सुना, देखा तो है नहीं। और इस बार हो रहा है क्या रोजा? हो रहा है। वो देखने जाएंगे। और एंड गाइस, दिस इज नॉट आवर फाइनल स्टॉप, दिस इज जस्ट अ पिट स्टॉप, एंड वी आर गोइंग टू अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस व्हिच वी विल शो यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। कोलकाता में आते ही ये जो नॉइज है, मतलब वो गांव से यहाँ पे आए तो मतलब एकदम वो एक्सट्रीम बढ़ गया है, 100% इंक्रीज हो गया है वो नॉइज में। तो अभी मेरा एक फेवरेट रेस्टोरेंट है कोलकाता में, वहाँ पे हम लोग अभी जा रहे हैं, जिसका नाम है कस्तूरी। मुझे बहुत पसंद है, जब भी मैं कोलकाता आता हूँ रोजा मुझे लेके जाती है। देखिए कितना भीड़ है यहाँ पे, क्रॉस कैसे करना है रोजा? यहाँ पे आते मुझे अच्छा भी लगता है, एट द सेम टाइम डर भी लगता है कि इतना भीड़ रहता है यहाँ पे। अरे आ गया हमारा रेस्टोरेंट, यहाँ पे जाना है ना हम लोगों को। देखिए रोजा मुझे पकड़ पकड़ के लेके जा रही है, जैसे अंधे को गाइड करते हैं। ये बहुत फेवरेट आइटम है डाक बंगला, और ये है कोचू पत्ता चिंगड़ी भाप। दिस इज स्मॉल प्रॉन्स, मस्टर्ड में बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये कोलकाता का सिग्नेचर झूरी आलू भजा, और रोजा ने ऑर्डर किए हैं मटन कसा। सो मटन ग्रेवी और मटन सूखा जैसा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। स्टार्ट करें। रोजा का एक्सप्रेशन देखिए, आफ्टर हैविंग कोलकाता स्टाइल मटन, आई एम इन लव। तो पहले प्रॉन नहीं खाते थे, आज प्रॉन खा रहे हो, कैसा लग रहा है? ट्राई नहीं किया, ट्राई करो। ये मेरा बहुत ही फेवरेट है यहाँ पे। थोड़ा वो कड़वा लग रहा है। हाँ, फ्रॉम रॉ मस्टर्ड, बहुत अच्छा लगता है। और झुरिया लो जा खाओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, हाथ से लेके जाते हैं आज के दिन में भी। हाँ। और कोई भी हैंड पुल्ड, हैंड पुल्ड रिक्शा। हाँ। वो क्या खाते हैं वो? सत्तू। हाँ। सत्तू खा के भागते हैं पूरा। हाँ। So guys, क्या इनक्रेडिबल लंच खाया हमने। ओ माय गॉड, वो मटन, ओ माय गॉड व्हाट वाज दैट। मैं लास्ट टाइम कोलकाता वाला जो टिपिकल मटन करी है, मे बी 4-5 years back खाया था मैंने, जब मैं यहाँ पे रहती थी। और आज मेरे बड़े भैया बहुत गुस्सा करेंगे रोजा पे, किसका मटन ज्यादा अच्छा है। इट्स अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, आई विल से कि इसका डिफरेंट टेस्ट है, और एक्सट्रीमली डिफरेंट हमारे घर में जो होता है वो डिफरेंट टेस्ट है। बट ओ माय गॉड, दिस इज जस्ट हालेलुया टाइप का फीलिंग आ रहा था मेरे माइंड में। मुझे रोजा भी वो नालेर गुरेर संदेश वो खाना है। नालेन गुरेर संदेश विच इज बेसिकली गुड़ का संदेश होता है, बहुत टेस्टी होता है। और उसका जो स्वीट शॉप है, दैट इज इन पार्क स्ट्रीट, जहाँ पे हम लोग शाम को था, इतना खा लिए कि पेट भर गया, और वो 400-500 मीटर था, उतना भी नहीं चल पाए। अभी स्विगी से ऑर्डर करके खा लेंगे। और शाम को वैसे भी वहाँ जाना है, और जो पार्क स्ट्रीट का जो वो मार्केट होता है, वहाँ पे बहुत सारे स्वीट्स स्टॉल्स ऐसे लगते हैं, एंड बहुत लोकल पीपल वहाँ पे अपना टिपिकल स्वीट्स भी लेके आते हैं, तो वो भी तो खाना है। तो दैट्स व्हाई वी विल सी यू देयर। सो मस्त सा लंच के बाद बहुत अच्छी नींद आ गई, एक अच्छा सा आफ्टरनून नैप लिया हमने। अभी जा रहे हैं हम इवनिंग इन कोलकाता एक्सप्लोर करने। फर्स्ट स्टॉप है एक मॉल जाएंगे, बट प्लानिंग टू क्या करना है मॉल में? बर्थडे शॉपिंग। किसका बर्थडे? सो मेरा बर्थडे गिफ्ट अगर मिलता है तो विल फाइंड इट इन द मॉल। उसके बाद पूरा शाम हो गया होगा,
एंड देन वी विल गो टू पार्क स्ट्रीट. ऑलरेडी लाइटिंग स्टार्ट हो गया है बट रात में और ज़्यादा अच्छा दिखेगा. सो विल गो टू पार्क स्ट्रीट आफ्टर द मॉल. आई एम सो एक्साइटेड. मैं खुद 4-5 years के बाद देखूंगी वो लाइटिंग. एंड मैंने 2 या 3 साल देखा है एंड इट्स एक्चुअली वेरी नाइस. सो रियली एक्साइटेड. तो अभी ये येलो टैक्सी में बैठने का हर वक्त मेरा मन था. और उधर देखो सांता वहाँ पे. हाँ अरे घूमता है. मुझे याद आया जैसे क्रिसमस के टाइम में हर मोस्ट ऑफ द शॉप के सामने से सांता रहेगा. शेयर करता रहेगा. यहाँ पे बहुत क्रिसमस वाइब बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा है. अभी हम लोग इसके लिए पार्क स्ट्रीट क्रॉस करके ही जाएंगे. सो यू कैन सी द लाइटिंग एंड ऑल. अरे मैं मोर गया था वहाँ पे. इतने सारे लोग बस प्लम केक खरीद रहे थे. अरे हाँ, और बहुत बहुत चीप में प्लम केक भर भर के मिल रहा था. बस प्लम केक ही था उस शॉप में. रोजा ने मुझे एक जबरदस्ती पहना दिया है. अरे ये सबको ही पहने हैं. सबको ही नहीं पहना है बट ठीक है. अच्छा लग रहा है. फेस्टिविटी है. अच्छा लग रहा है. यहाँ पे कितना भीड़ दिख रहा है. पागल हो जाएगा. इतना भीड़ तो मैं लास्ट में मैसूर में देखा था दशहरा के लिए. हाँ तो ये शिमला थिंग है ना. चलने के लिए जगह नहीं है वहाँ पे. नहीं नहीं. और ये जो आलन पार्क है मुझे यहाँ पे जाना था बट ये क्लोज है. हाँ वो इतना भीड़ क्यों है यहाँ पे. बड़ा सा सांता का बना है ना वहाँ पे इसलिए. चलो चलते हैं वहाँ पे. अरे बड़े बड़े सांता सब जगह है. चलो मैं सांता हूँ बन गया. हो 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 हो. ठीक है. अरे मैंगो दही अमेजिंग है. मैंगो दही. एनीवेज बद्राम मलिक का स्वीट्स मुझे बहुत पसंद है. तो हम लोग संदेश और बेक रसगुल्ला तो खाएगी प्लस ही मैंगो दही. इसमें मैंगो जेली भी है. एक्सट्रीमली टेस्टी ऑफ द वर्ल्ड. वो देख रहा है पीछे तुमको.
रोजा को हर कुछ आज ही करना था, शॉपिंग भी करना था, फिर वो क्रिसमस मार्केट भी घूमना था। क्रिसमस इतना ज़्यादा भीड़ है पार्क स्ट्रीट में, आप तो चल भी नहीं सकते वहाँ पर। और उसके बाद स्पाइडरमैन मूवी भी देखना है, और उसके लिए और यहाँ पे 2 किलोमीटर का रास्ता चलने के लिए दिखा रहे 20 मिनट, अगर आपने कैब किया तो 17 मिनट, और कैब आएगा और 20 मिनट के बाद, तो ऐसे में आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अभी इतना साउंड है आप देख रहे हैं। तो फाइनली हम लोग क्या करके जा रहे हैं, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा नहीं, रिक्शा, हैंड पुल्ड रिक्शा। हाँ भैया चला रहे हैं, और इसमें 2 हाथी बैठ के जा रहे हैं यार। पूरा लग रहा है डॉट टाइम में पहुंचेंगे। ये थोड़ा रास्ता खाली है इस साइड में। अरे पार्क स्ट्रीट इतना भीड़ था, हम लोग पार्क स्ट्रीट से निकल के साइड के गली में आए, तब जाके वहाँ पे थोड़ा सांस लेने को मिला। इट वाज रियली अमेजिंग। और